सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल राइड विद अजय। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 महीने से दिल्ली में लॉकडाउन था और हम लोग कहीं निकल नहीं पा रहे थे, तो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन में छूट दी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। सो हमने सोचा कि क्यों ना किसी मंदिर होकर के आया जाए, बहुत टाइम हो गया किसी मंदिर नहीं गए। सो आप लोग जानते हैं कि फरीदाबाद में एक हनुमान टेम्पल है जो कि गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे रोड पे है, जिसमें कि काफ़ी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। तो बेसिकली जब मैं गुड़गांव जॉब करता था, सो गुड़गांव मैं उसी रास्ते से कई बार आना जाना होता था मेरा, उसी हाईवे रूट से आता जाता था, तो दर्शन होते थे। तो जब वो हनुमान मूर्ति बना रहे थे, तब तक वो ना पेंट हुई थी ना कुछ हुआ था, तो उतना मज़ा नहीं आता था उधर। बट अब वो पेंट हो गई है, मैंने काफ़ी जगह फ़ोटोज़ देखी हैं, काफ़ी लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है। सो मैंने सोचा क्यों ना हिमांशु को लेकर के, मेरी बाइक भी वहीं खड़ी है हिमांशु के साथ, हिमांशु वहीं पर खड़ा है, दोनों हेलमेट हिला रहा है। सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हनुमान जी के दर्शन करके आया जाए और आप लोगों को भी दर्शन कराया जाए। सो बने रहिए मेरे साथ एक बहुत ही प्यारे से हनुमान जी के दर्शन के लिए। तब तक के लिए इंट्रो एंजॉय कीजिए। इंट्रो। सो हम दोनों बैठ चुके हैं अपनी बाइक पे और चलिए अब आपको थोड़े से टाइम लैप्स एंजॉय कराते हैं और थोड़ा सा बहुत ही ब्यूटीफुल राइड होने वाली है ये, क्योंकि काफ़ी सुंदर जगह से होते हुए, काफ़ी पहाड़ियों के बीच में से होते हुए हम लोग निकलने वाले हैं। सो एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स। अब हम लोग टोल पे उतरने वाले हैं। इस टोल को क्रॉस करते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रिलायंस मॉल आएगा, हमें उसी मॉल के बाहर इंतज़ार करना है विनीत का और वहीं पे हमें आरजे डेलाइटी भी ज्वाइन करेंगे। आरजे डेलाइटी का एक वीडियो बड़ा हिट था रॉकिंग डील्स का, रॉकिंग डील्स यहाँ पे है। अगर आप लोगों ने आरजे डेलाइटी के वीडियोज़ देखे होंगे तो रॉकिंग डील्स का एक वीडियो था उनका, जो कि काफ़ी हिट हुआ था और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था वो, और उसकी कंट्रोवर्सी का रीज़न यही था कि जब आरजे डेलाइट यहाँ पे वीडियो बनाने आए थे तो उस टाइम पे उनको थोड़ा रूडली बिहेव किया था इन लोगों ने वीडियो बनाते टाइम। बट जब उन्होंने ये देखा कि आरजे डेलाइट के उसी वीडियो पे, जिस पे कि इतनी कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट करी, उसी वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आ गए उनके, उसके बाद रॉकिंग डील्स वाले खुद उनको फ़ोन करके बुलाते हैं और रॉकिंग डील्स ने अपने YouTube चैनल पे आरजे डेलाइटी का वीडियो डाला है, वही वीडियो जिस पे उन्होंने खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी वो खुद उन्होंने डाला है। सो ये एक ऐसी जगह है बेसिकली जहाँ पे काफ़ी सामान सस्ता मिल जाता है। सो इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रॉकिंग डील्स के बारे में, सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो रॉकिंग डील्स के बारे में बना सकता हूँ विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि उनके पास क्या क्या है, किस किस प्राइस रेंज में है। और बट जैसा भी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर मेरी वीडियोज़ चाहिए, नेक्स्ट वीडियोज़ मैं उसके ऊपर बना सकता हूँ। कहीं आपको देखना है दिल्ली के आसपास के एरियाज, कहीं आपको घूमने फिरने का मन हो, सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वो प्लेस, ताकि मैं उस जगह को आप लोगों के लिए कवर कर सकूं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं और आप ही के लिए ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत करी जाती है, आप ही के लिए इतना सारा कंटेंट किया बनाने की कोशिश की जाती है। और बाकी अभी उतर के बात करता हूँ बाइक पर, हम रिलायंस मॉल पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि रिलायंस पीछे ही है हमारे। मॉल के बाहर तक तो हम पहुंच ही गए हैं, अब यहीं पे हमें विनीत और आरजे डेलाइटी दोनों मिलेंगे।
तो जैसा कि मैं कह रहा था गाइस कि जितनी भी मेहनत होती है सिर्फ आप लोगों के लिए होती है। सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं कहाँ की बनाऊँ। आप लोगों को कोई जगह पसंद है मैं वहाँ की वीडियो बना सकता हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो मैं यहाँ की बनाऊँ। और अगर रॉकिंग डील्स आपको पता करना है रॉकिंग डील्स में कौन कौन सी डील्स अवेलेबल हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उससे ही बना सकता हूँ, बट आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं कहाँ की बनाऊँ, मैं तभी बनाऊँगा। सो वेट करते हैं उन लोगों का, जैसे ही वो लोग आते हैं तब तक के लिए आप थोड़े से टाइमलेस एंजॉय कीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं आरजे डेलाइटी आते हुए ऑटो के पीछे, ये रहे, इन्हीं का इंतज़ार था। भाई साहब कहाँ रह गए थे आप? मोमोज खा रहे थे, बताओ। हनुमान जी के दर्शन के लिए भी लोग मोमोज खा करके आते हैं, और वो भी अकेले आए हैं, विनीत का पता ही नहीं आ रहे बताओ। वो अलग आ रहे हैं, ये अलग आ रहे हैं, दोनों के दोनों भाई साहब अलग आ रहे हैं। अरे विनीत भाई साहब भी आते हुए आप देख सकते हैं, उनके पास आटियार ऑटो के पीछे, इनका भी इंतज़ार था। लगाइए अंदर लगाइए। तो अब हम हो गए हैं 1, 2, 3 और आपका भाई 4। तो हम चारों मिलकर के जा रहे हैं गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे पे, जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे, जिसमें बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। तो अभी रजत की बाइक हम यहीं पार्क करेंगे, क्योंकि वहाँ 3-3 बाइक ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, जाना भी इनको इसी रास्ते से है। तो अब आपको थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय करवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं मंदिर पे, मिलता हूँ आपसे बाइक पे। एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल वेदर और ब्यूटीफुल रोड को। हमारे साथ में आप देख सकते हैं आरजे डेलाइटी मजे लेते हुए विनीत के साथ, बहुत टाइम हो गई थी यार ऐसी राइड पे निकले हुए, बहुत टाइम हो गया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक पुल के ऊपर हैं, जो कि फरीदाबाद से लेकर के, फरीदाबाद से स्टार्ट होता है और बेसिकली आपका अलीगांव पे जाके ओवर होता है, बहुत लंबा पुल है। बट फिर भी हम लोग ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, ऐसे में हम लोग फिर भी 60-65 पे चल रहे हैं, जो कि एक डिसेंट स्पीड है, बाइक पूरी कंट्रोल में है। सो कोशिश किया कीजिए जब भी आपको ऐसा रूट मिले बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना हो, हेलमेट आपके पास हमेशा रहें, सेफ्टी गियर्स आपके पास हमेशा रहें। जनरली मैं सेफ्टी गियर पहन के ही निकलता हूँ, बट आज थोड़ा सा जल्दबाजी में था तो इस वजह से मैंने कोई भी सेफ्टी गियर्स नहीं पहने, बट हेलमेट अभी भी है और गाड़ी पूरी अपने कंट्रोल में है, अंडर स्पीड है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, ओवर स्पीडिंग कभी नहीं। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रीन फील्ड्स कॉलोनी, आपके वन ऑफ दी फेवरेट चहीते
इंडिया के नंबर वन, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड के नंबर वन यूट्यूबर कैरी मिनाटी के घर के पास ग्रीनफील्ड कॉलोनी के पास है हम। So guys, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। कमेंट में आप जरूर कीजिएगा जय श्री राम। आपको एक बार प्यारे से दर्शन कर, फ्रंट कैमरे से देखे कितनी बड़ी मूर्ति है। कि हम, मैं अगर बैठ भी जाऊं तो भी मैं एक बार में पूरा हनुमान जी को नहीं कैप्चर कर पाऊंगा। हनुमान जी के नीचे आके हम खड़े हैं, ये उनके पैर, हम पैरों के नीचे हैं बजरंग बली के, और ये उनकी गदा। थोड़ा पूछ के दर्शन कराए जाए, हनुमान जी पूछ के पास, हनुमान जी की पूरी पूछ ऊपर जा करके दोबारा से मूर्ति में मिलती है। ये देखिए बहुत बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ी। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हनुमान जी की मूर्ति उतनी ही प्यारी आप लोगों को भी लग रही होगी जितनी प्यारी हम लोगों को यहाँ से लग रही है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं दर्शन करने आया हूँ यहाँ पे। तकरीबन 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गए, बल्कि 3-2.5 साल के आसपास हो गए मुझे। सो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही पसंद आया होगा। ये देखिए, ये भाई साहब सेल्फी लेने गए थे, ऊपर थंबनेल लेने गए थे, थंबनेल की फ़ोटो लेने गए थे, अब उतर के आ रहे हैं। सो आई होप कि आपको मेरा बैकग्राउंड उतना ही प्यारा लग रहा होगा जितना मेरे घर पे लगता है। लगता है मैं पतला हो गया हूँ, मेरी बार बार बेल्ट से रख रही है यार। ऐसा कुछ नहीं है, पैंट तूने बड़ी पहनी है। पापा की पहन के आगे जल्दी से। फिर यहाँ से आप रजत को और विनीत को अलविदा कर देंगे, यहाँ से जब जाएंगे हम सीधा जाएंगे। तो बाय बाय। वेलकम बैक अगेन। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर और बहुत थक गए थे यार। शाम को हम लोग निकले थे तकरीबन 5:30 बजे और तकरीबन 8:15 का टाइम अब हो रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि तकरीबन 2.5-3 घंटे का टाइम लग गया हमें। और बीच रास्ते में हमने आपको इस वजह से कोई भी टाइम लैप्स एंजॉय नहीं कराया, क्योंकि काफी अंधेरा हो गया था। हम लोग काफी देर वहां बैठे रहे, बहुत मन लग रहा था हनुमान जी के चरणों में, तो हम लोग वहीं पे बैठे थे काफी देर, कुछ बातें करते रहे रजत से भी।
आने वाले ब्लॉग्स के बारे में हम लोग कुछ आइडियाज वहाँ पे आपने शेयर करते रहे कि नेक्स्ट ब्लॉग्स हमारे कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, कहाँ के लिए हम प्लान करें। सो उसी बात में इतना टाइम बीत गया कि वहाँ पे अंधेरा हो गया और फिर हमें लाइट्स जला करके आना पड़ा तो कुछ नज़ारे दिखे नहीं। सो मैंने सोचा कि आप लोगों का भी क्यों टाइम वेस्ट किया जाए उस चीज़ को लेकर के। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें आज की राइड पसंद आई। क्यों भाई, कैसा लगा? बढ़िया था, बिल्कुल मजा आ गया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बहुत मजा आया। सो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया हो। अगर आप पसंद आया हो तो यू नो व्हाट टाइम इट इज, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला व्लॉग आपको कौन सी राइड के लिए चाहिए, सो हम वहां के लिए भी प्लान कर सकें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस एकदम से बाइक उठाई और व्लॉग बना दिया। नौकरी पेशा आदमी हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है चीजें मैनेज करने में। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उस बारे में सोचेंगे, उसके बारे में प्लान करेंगे और फिर आपको एक बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सा व्लॉग वहां का भी पेश करेंगे। टिल देन, आपका होस्ट, आपका दोस्त अजय पांडे साइनिंग ऑफ।